बच्चों स्वागत आपका अपने इस YouTube चैनल पे। तो आज अपने प्रकाश के अपवर्तन के बारे में कुछ ऐसी विचित्र घटनाएं पढ़ेंगे जिसके साथ अपने साथी क्लास के कुछ बच्चे आए हुए हैं। और मेरे हाथ में जो आपको दिखाई दे रही है ये है लेजर लाइट, और इस लेजर लाइट की जो पावर है वो नैनोमीटर के अंदर होती है। लेकिन उससे पहले अपने सामने कुछ बच्चे हैं, साथी क्लास के बॉयज और साथी क्लास की गर्ल्स। तो अपने ये जो प्रैक्टिकल है, एक्सपेरिमेंट है, ये करने से पहले इन बच्चों से पूछ लेते हैं कि व्हाट इज लाइट, प्रकाश क्या होता है। तो नदीम है, ये बताएगा कि सबसे पहले प्रकाश होता क्या है। प्रकाश वह ऊर्जा जिसके कारण हम वस्तु को देख सकते हैं। हाँ, जिसके कारण क्या कर सकते हैं, वस्तुओं को देख सकते हैं। क्योंकि एक प्रकार की क्या होती है, एनर्जी। अपने सामने फिलहाल एक एनर्जी यहाँ भी दिखाई दे रही है, ठीक है। तो उसके बाद ये बताओ कि जो प्रकाश होता है वो कांच के आर पार जा सकता है, नहीं जा सकता? जा सकता है, जा सकता है। अब इसको देखने के लिए अपने एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। एक कांच के गिलास के अंदर पानी भरेंगे और जैसे ही लाइट को इसमें से गुजारेंगे तो देखेंगे कि आर पार हो सकती है कि नहीं हो सकती। और वैसे तो पता है कि कांच के आर पार प्रकाश जा सकता है, जा सकता है। तो ये आपके सामने दिखाई दे रहा है पानी से भरा हुआ गिलास, तो ये किसका बना हुआ है? कांच का बना हुआ है। कहीं पे भी बोल सकते हैं कि शीशे का बना हुआ, शीशे का बना होता है या स्टील का बना होता तो ये बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता, पानी भरा हुआ नहीं दिखाई देता। और ये थोड़ी देर पहले बताया था, क्या बोलते हैं इसको, लेजर लाइट। और लेजर लाइट की जो एनएम के अंदर पावर क्षमता होती है ना, वो इतनी ज्यादा होती है कि इसको क्रॉस कर जाएगी। अगर आप टॉर्च का इस्तेमाल करोगे तो टॉर्च के अंदर क्या होगा कि प्रकाश फैलेगा, क्या करेगा, फैलेगा। जबकि इसके अंदर आपको एक लाइट दिखाई देगी, प्रकाश की किरण दिखाई देगी। तो आज अपने एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। तो वहां से हिमांशु लाइट को ऑफ कर दो। अब आप लोग बताना क्या आपको ये दिखाई दे रहा है, क्योंकि अंधेरा कर दिया गया है। अब इसके अंदर लेजर लाइट के अंदर देखेंगे। और थोड़ा सा जो बच्चा ये वीडियो बना रहा है ये थोड़ा सा जूम करना है इस गिलास के ऊपर, केवल गिलास के ऊपर, जरा गौर से देखना। तो जैसे ही लेजर लाइट का इस्तेमाल करेंगे आगे रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश का अपवर्तन होगा कि नहीं होगा, चलो देखते हैं। तो सबसे पहले अब आपको हाय ना में जवाब देना है, क्या आपको प्रकाश किरण दिखाई दे रही है? यस सर। वीडियो में लाइट दिखाई दे रही है? यस सर। ठीक है, अब इसको जैसे ही गिलास के शीट में करेंगे, देखो जरा ये टॉर्च को ऑफ कर दो कि इससे वीडियो भी नहीं है। अब देखो जरा गौर से, जैसे ही मैं इसको गिलास के शीट में दबाऊंगा, गिलास की शीट में, और ये गिलास के आर पार जाएगी, लेकिन आपको थोड़ी सी प्रकाश किरण मुड़ती हुई दिखाई देगी, दिखाई दे रहा है? इसका मतलब ये है कि जो हमने पानी लिया है ना उसके कारण इस लाइट की स्पीड थोड़ी सी क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है। और कम होते ही ये इसका जो असली रास्ता होता है वहां से ये भटक जाती है। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है ये अपने किसी भी पानी के साथ, दूध के साथ, या कोई भी ऐसा दूसरा पदार्थ होता है उसके साथ में कर सकते हैं। दिखाई दे रहा सबको? यस सर। चलो ठीक है, ऑफ कर।